नमस्कार दोस्तों, आज महात्मा गांधी जी पर निबंध आप लोगों को मैं हिंदी में बताने वाला हूं, जिससे आपको महात्मा गांधी जी के बारे में सारी जानकारियां पता चलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। महात्मा गांधी जी बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करके बिताया था। महात्मा गांधी जी को भारत के बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे। उनके पिता एक छोटे से गांव में रहने वाले थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात भारत में हुआ था, इसलिए आज भी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में त्यौहार मनाते हैं भारत में मनाया जाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दे और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। महात्मा गांधी जी ऐसा महान पुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता में विश्वास रखते थे। गांधी जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हो गया। कस्तूरबा ने गांधी जी का हर तरह से सहयोग किया और कस्तूरबा ने अपने पत्नी धर्म का पालन किया। गांधी जी भारत में चल रहे अछूत और भेदभाव परंपरा को खत्म करना चाहते थे, ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहे और भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना चाहते थे। महात्मा गांधी जी की पढ़ाई भारत में हुई थी और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए और फिर उनके बाद वकील के रूप में भारत लौटे थे। कानूनी का पढ़ाई करने के बाद जब महात्मा गांधी जी भारत आए तो उन्होंने भारत पर अपना कानून अभ्यास करना शुरू कर दिया, ताकि भारत के ही लोगों से हो रहे अन्याय को खत्म किया जा सके और इस अन्याय को खत्म करने के लिए ब्रिटिश शासन को खत्म करना बहुत जरूरी समझा। महात्मा गांधी जी भारत स्वतंत्रता के आंदोलन के एक बहुत ही महान नेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए नेतृत्व किया और गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में गांधी जी को कई बार जेल भेजा गया था, लेकिन गांधी जी ने भारत के लिए सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यह लड़ाई बहुत समय तक चली, जिससे कई सारे भारतीय वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन उन सभी भारतीय वीरों को बलिदान की सफलता हुई। सभी वीरों और गांधी जी के कड़ी संघर्ष से 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, इसलिए आज भी हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी वीरों को बलिदान को नमन किया जाता है। भारत स्वतंत्र होने के बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हो गया। गांधी जी का हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। गांधी जी के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके लिए आज भी उन्हें बहुत ही याद किया जाता है, इसलिए उनके याद में आज भी 2 अक्टूबर को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सारा भारत गांधी जी के बाकी वीर के बलिदान को याद किया जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत से बलिदान हमारे देश के लिए किए और गांधी जी के स्वभाव से आज भारत प्रसन्न है और हमारी सरकार शांति और यकीन करती है और गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलती है। दोस्त, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।